अंबरपेट में मस्जिद खाना की तामीर का आगाज़ आज हुआ था, सुबह शुरू हुआ। पुरमन तरीके से पूरा मलबा साफ किया गया जेसीबी लगा के, और उसके बाद सफाई की गई। उसके बाद कालमों के लिए गड़े किए गए, फिर उसमें फोर्स नसब किए, तकरीबन पूरे फोर्स नसब हो गए। सुबह से कोशिश थी पुलिस की कि काम को रुकाए, जबकि होम मिनिस्टर साहब ने बताया कि पुलिस को बोलिए काम में कोई रुकावट नहीं बनी थी। लेकिन मुसलसिल एसीपी बोले, सर्कल बोले, आरसी में 5 बजे तक 75% काम हुआ, 25% बाकी था। बोलने के चंद 4% लोगों को लेकर पुलिस वाले एहतजाज करने लगे रास्ता रोको रोड पर। तकरीबन 45 मिनट तक लोग 8-6 लोग थे, उसी वक्त पुलिस साथी तो उनको गिरफ्तार करके हालात को काबू में रखते थे। लेकिन उनको टाइम दिया गया पुलिस की तरफ से, तादाद बड़ी उनकी। उसके बाद हमारे काम में रुकावट बनने के लिए खतराव किए, इधर से संगबारी, उधर से संगबारी, और बीच में पुलिस तमाशा ही बनी रही। आखिरकार पुलिस का जो मकसद था, वो लोगों का भी वही मकसद था कि यहाँ मस्जिद का काम रुक जाए, काम को रुका दिया जाए। बहुत मुश्किलों से हम अपने लोगों को काबू में किए, अमन को बरकरार रखे। पुलिस के आला अहदेदार आए, उनसे तमाम तफसीलात उनके सामने रखे। 25% काम बच गया है, हम कर लेते, आप थोड़ा कंट्रोल करो। लेकिन वो खासियत से बराबर करते वो तैको नहीं दिए, काम रोक दिया गया। पुलिस हर दो मुकाम पर लाठी चार्ज करके हालात को काबू में किया। अभी इस वक्त हालात कंट्रोल में है, कुछ देर के लिए हालात कशीदा हो गए थे, कंट्रोल में है। इंशाल्लाह नकबे मिलत बारिशी हिसाब से तफसीलात पेश करेंगे, उसके बाद उनका जो आइंदा गुम होगा। बाकी काम तकमील करेंगे ताकि रमज़ान में लोग आराम से सुकून से नमाज अदा कर सकें। आवाम से अपील की जाती है कि वो इस मसले में दुआ करें, अमन को बरकरार रखें। शुक्रिया।